हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्व एट ए रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ रिजर्व इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्व। तो क्या बोला गया है इसमें, सिंपल सा इसने बोला है हमारे पास एक क्या है, क्यूबॉइडल शेप का रिजर्व है। क्यूबॉइडल शेप का रिजर्व मीन्स क्या है, एक पानी का बड़ा सा क्यूबॉइडल शेप का क्या है, एक्वेरियम टाइप का है। ठीक है, जैसे कि बड़ा सा क्यूबॉइडल शेप का एक्वेरियम है। इसने बोला हम इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर को पोरिंग कर रहे हैं, डाल रहे हैं। और जो वाटर इसमें पोर होता है वो किस तरह से होता है, 60 लीटर पर मिनट की इसमें होता है। कितना होता है, 60 लीटर पर मिनट की स्पीड से जाता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्व, इसका वॉल्यूम कितना गिवन है, इसका वॉल्यूम हमें दे रखा 108 मीटर क्यूब। ओके, बोला है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल बी टेक टू फिल द रिजर्व। तो इसने बोला नंबर ऑफ आवर्स निकालिए, आवर्स निकालिए कि ये रिजर्व पूरा का पूरा भर जाए। मतलब क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये, सिंपली ये बोल रहा है कि हम इस रिजर्व को भरना चाह रहे हैं, तो हमें निकालने हैं घंटे, कितने घंटे में ये पूरा का पूरा रिजर्व हमारा भर जाएगा। हमें स्पीड दे रखी है पानी की, क्या दे रखी है, 60 लीटर। 60 लीटर भरता है वो क्या, पर मिनट में भरता है। और वॉल्यूम दे रखा है पूरा का पूरा रिजर्व का 108 मीटर क्यूब। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, देखो ये क्या है, मीटर क्यूब में, और हमें क्या दे रखा है, लीटर में देखा। तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, लीटर में। देन उसके बाद हमें पता है हमें आंसर किस में निकालना है, आर्ट्स में निकालना है। तो हम ये जो मिनट है इसको भी चेंज करेंगे आर्ट्स में। तो ठीक है, चलो इसे करते हैं। जैसे कि हमें पता है वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम हमें गिवन कितना है, 108 मीटर क्यूब। और हमने सीखा भी हुआ है कि क्या होता है, 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो 108 मीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हमें इजीली आता है, 108 विल बी इक्वल्स टू, डायरेक्ट कर सकते हैं, 108 मीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई किससे, 1000 के साथ। ठीक है, इसे इस तरह से रहने दे ताकि हमारा काम इजी हो जाए। देन देखिए हमें क्या दे रखा है, रेट। रेट कितना दे रखा है, ये देखिए रेट हमें गिवन है कितना, 60 लीटर पर मिनट। ओके, तो ये जो मिनट है इसे हम चेंज करते हैं किसमें, आवर्स में। तो हमें पता है वन आवर विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। ओके, और देन हम इसे मिनट को चेंज कर रहे हैं किसमें, लीटर्स में चेंज कर रहे हैं। तो इसे मिनट्स को चेंज कर रहे हैं किसमें, आवर्स में चेंज। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा हमारा, 60 मल्टीप्लाई 60, ये बन गया हमारा आर्ट्स में। ओके, ये हम अपॉन में लिख के कर सकते हैं, बट हम इसे इजीली इस तरह से करें। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ आर्ट्स, तो सिंपली लिख सकते हैं नंबर ऑफ आर्ट्स कितना हो जाएगा हमारा, देखिए नंबर ऑफ आर्ट्स टू फिल द रिजर्व। ठीक है, टू फिल द रिजर्व लिख लेते हैं, टू फिल द रिजर्व। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, जितना वॉल्यूम है, ये जो हमारे वॉल्यूम लीटर में चेंज किया था इसको रखेंगे ऊपर। देखो पर लीटर था ना, इसकी वजह से जो हमारा ये टाइम है उसको हम लगा देंगे नीचे, सिंपल सा। ओके, पर लीटर था, इस वजह से हमने इसे इसमें कर दिया आर्ट्स में। अब देखिए जो कट जाता है उसे काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। इसे 6 से काट लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 8 जा 40, 18 अगेन। ठीक है, और 6 3 जा 18। तो यहाँ देखिए क्या क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बचा 3 मल्टीप्लाई 10 बचा, जो कि कितना होगा, 30 आर्ट्स। ओके, सिंपल था। देखिए इसको हमने इसके नीचे डिवाइड में क्यों किया, ये चीज ज्यादा जानने की है। इतना तो आपको समझ में आएगा, हमने इसको मीटर लीटर को, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज किया बाय मल्टीप्लाई 1000। यहां से हमने जो मिनट में था उसको आर्ट्स में किया है बाय मल्टीप्लाई 60। अब देखिए पर लीटर क्यों रहा है, हमारा 1 आवर में 60 × 60 रहता है, तो टोटल हमें भरना है इस रिजर्व को, तो हमने डिवाइड किया है इसको टाइम से, सिंपली। ओके, इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था। इसका आंसर हो जाएगा 30 आवर्स लगेंगे इसको पूरे के पूरे रिजर्व को भरने में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 11.4 का लास्ट क्वेश्चन एंड चैप्टर 11 का लास्ट क्वेश्चन।
अगर स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड देन आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको आगे कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम्स होते हैं, उस चैप्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे। अपने चॉइस के चैप्टर्स आप बताइए, देन हम उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।